अगर कोई योग में बैठे, मेरे घर में बाबा का कमरा नहीं, हम रुक रहे थे, शाम को योग में बैठते हो तो पहले आत्मचिंतन चाहिए जो पांच प्रश्न है, उसके बाद सूक्ष्मतन है, सूर्य चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्मतन है, सूक्ष्म शरीर लाइट का प्रकाश का ब्रह्मा बाबा है ना, उनके पास शिव बाबा दोनों बाप और दादा दिखाई नहीं देता है, समझ है बाप दादा ऊपर है, और बाबा से बात करो, बाबा कल आपने मुझे में ऐसे कहा, मुझे ये बीमारी है, किस डॉक्टर के पास जाओ, बच्चे ऐसे करते हैं, पति ऐसा करता है, ये ऐसा करता, जो भी कुछ बात कर रहा है, तो सूक्ष्म मदद नहीं करो, बाबा हरेक की बात सुनता है और समय पर जो करना है, जो मदद दे रहा है, हर कहीं भी आपको मदद करेगा, किसी भी किसी द्वारा। ये बाबा की तब कहते हैं भगवान इस धरती पर आया हुआ है ना, तो आपका हमारा धर्म और कर्म हर बात उधर तक पहुंचाना है, आपका धर्म और कर्म लेटर लिखे पोस्ट के डब्बे में डाल देना है, वो पोस्ट में आज नहीं तो कल वहां पहुंचाएगा, है ना, इसी विश्वास से हमें लेटर डालते हैं ना डब्बे में, कि अविश्वास होता है डब्बे में तो डाला हमने, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, यहां भी ये लेटर बॉक्स कोई भी प्रश्न है, समस्या है, दुविधा है, क्या करो क्या नहीं करो, बहुत सारे संसार में समस्या है, किसको पूछिए, है ना, तो इसके लिए बाबा से पूछो, बाबा व्यक्ति को हर एक व्यक्ति के अलग अलग राय है, उदाहरण के लिए बताओ, ऐसे देखो दो भाई थे यज्ञ में बहुत बड़े, आज भी एक में शरीर चला, एक है ब्रजमोहन भाई करके है जो नांगल में पंजाब में शिव फैक्ट्री के एक कास्ट फैक्ट्री में काम करते थे, ऑफिसर थे वो, इनकम टैक्स के, तो वो गवर्नमेंट की फैक्ट्री में, तो वहां कोई भी आता है तो उनको चाय पिलाना पड़ता है, इनको भी पीना पड़ता है, तो क्या करे, बाहर का चाय पीले चलेगा, हाँ। और एक भाई था बाबा का बच्चा बॉम्बे में, वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है, रमेश भाई करके, मधुबन में सारा अकाउंट देखता है, उनका अपना ऑफिस था, उनको भी कोई आते ऑफिस में चाय पिलाना पड़ता है, कुछ पिलाना पड़ता है, तो दोनों के अंदर बात होती है, तो बाबा तो कहते हैं बाहर का पीना नहीं चाहिए, तो क्या करे, तो दोनों पहले एक बाबा के पास साकार में ब्रह्मा बाबा था, बाबा के पास गए, बाबा हम नौकरी करते हैं तो वहां वो लोग चाय पी लो कहते हैं, सबके साथ उठना बैठना होता है, तो नहीं पिएंगे तो कहेंगे ये ठीक नहीं, इनको चेंज करो, ट्रांसफर कर देंगे, निकाल देंगे, तो क्या करना चाहिए, तो आप बताओ क्या करना चाहिए, तो बाबा ने कहा बच्चे आपको चाय पीना चाहिए, ब्रह्मा बाबा के नाम तो आप चाय पी, खुश हो गया, खुश हो गया कि दूसरा भाई का, उसको कहा बाबा ने मुझे चाय पीने की छुट्टी दिया है, बाबा चाय पी सकते हो, अरे बाबा ने मुझे कल तो कहा किसी का अज्ञानी का विकारी का हाथ का नहीं खाना चाहिए, आपको कैसे छुट्टी दिया, मैं जब संतोष निकला वो भी गया, बाबा ने कहा बच्चे, उसने कहा बाबा मेरा भी ऑफिस है, मेरे ऑफिस में बहुत लोग आते जाते हैं इनकम टैक्स के लिए, तो मैं क्या करूं, बच्चे आप तो चाय बाहर की चीज पीना नहीं चाहिए, क्यों, कि आपका ऑफिस है, आप मालिक, कोई भी आया चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, नींबू का शरबत पिलाओ, कुछ भी करो, आप मालिक है, आप नौकर नहीं है, तो आपके जो पिलाइए वो पिएंगे, चाय पीना चाहिए ऐसा नहीं, चाय देना चाहिए ऐसा नहीं, तो आपको ना पिलाना चाहिए ना आपको पीना चाहिए, उसको वो वह मालिक नहीं, नौकरी करता है, तो पराधीन है, तो वहां अगर आप उनके नियम अनुसार नहीं चलेंगे, कल कहेंगे ठीक है इसको ट्रांसफर करो, इसको निकाल दूसरी जगह भेज दो, तो वहां आप मालिक नहीं है, श्रीमद् शिव बाबा का यह व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है, इसलिए बाबा कहता है जो इनको कहा वो आपके लिए नहीं, आपकी समस्या कुछ है आप बाबा को बताओ, बाबा बैठा है तब का
भगवान इस धरती पर आया हुआ है। हर बात में उसको जो सुना इधर उधर की बातें सुनना नहीं, उनको जो दवाई बीमारी एक ही है, दवाई का अलग है। इस बीमारी के लिए ये दवाई, इस उसी बीमारी के लिए दवाई अलग है। इसलिए श्रीमद् भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कोई भी बात हो एक दूसरों पर नहीं, आप सीधा बाबा से बात कर सकते, समझ में आया, दुविधा में नहीं रहना। आप भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी होती है। आप सुनो, कल मैंने आपको सवेरे सुनाया है ना, जो देखो अफ्रीका से आया, 3 दिन लगे, 3 दिन के बाद भी भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण किया, किसी न किसी द्वारा करता है। एक ने हजारों उदाहरण है, लेकिन आपको सुना इसलिए कभी भी दुविधा में नहीं है। बाबा के कमरे में जाओ, अमृत मेरे शाम को योग में बैठे हो, बाबा से बात करो, बाबा सुनता है।